हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दाल चमेट नॉलेज में एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि 2021 के अंदर बैचलर ऑफ एजुकेशन जो बच्चे हरियाणा से MDU चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या हरियाणा से कहीं से भी बैचलर ऑफ एजुकेशन के अपने फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के जो है ऑफलाइन एग्जाम देंगे, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि उनको एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जाम कैसे देना है, कि अच्छे मार्क्स क्या हैं उनके एग्जाम में आ सके, और कैसे उनको टाइम मैनेजमेंट करना है और क्या क्या चीज़ें उसमें आ सकती हैं। सारा का सारा जो एक इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आने वाले वक्त में आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज, इस वीडियो को बारे में हम लोग कुछ आपको बताएंगे, तो उसके लिए हम लोगों को अपने स्क्रीन पर चलना है और वहाँ चलकर हम लोग समझेंगे कि किस हिसाब से आपको अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है और एग्ज़ाम देते वक्त आपको किन किन बातों का जो है बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर। गाइस, आ गए हम लोग अपने स्क्रीन पर और हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि कैसे अपना 2021 का जो बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं उनको कैसे अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है और एग्जाम देने से पहले किन किन बातों का क्या है स्टूडेंट को ध्यान रखना है। तो गाइस देखिए, इस चीज में मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं। यहां पर जो हमारी हेडिंग्स है वो आप देख लीजिए कि भाई हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एन अटेम्प्ट, ये आप देख लीजिए। हाँ, कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स एंड अटेम्प्ट MDU BEd एग्जाम, यानी कि जो बैचलर ऑफ एजुकेशन का जो BEd फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जाम है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये सारा का सारा वीडियो क्या है हमारा इसी के ऊपर क्या है बेस्ड है। तो गाइस, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, उनको आप देखना चाहे बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपका कौन सा पॉइंट रहेगा। तो गाइस, इसमें फर्स्ट पॉइंट है दैट ट्राई टू अटेम्प्ट, फर्स्ट जो पॉइंट है गाइस देखिए इसमें, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी कि जितना भी आपके लिए पॉसिबल हो आपको सारे क्वेश्चन को क्या है अटेम्प्ट करना है, जितने एग्जाम में क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन है वो यही है कि अटेम्प्ट, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल, कि आपका जो एग्जाम आएगा जितने भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिखने हैं एज पर द डायरेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, वो चीज के आपको वहां पर फुलफिल करनी है। सेकंड जो पॉइंट्स है मेरे बच्चों, वो आप देखिए क्या कहना चाह रहा है कि एक्सप्लेन ऑल द आंसर इन, ये आप देखिए क्या है, एक्सप्लेन ऑल द आंसर इन डायग्रामेटिकल मैनर। यहां पर हम लोग बात कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप अपना कोई भी क्वेश्चन लिखोगे तो उसको क्या है एक स्टोरी की बात ही नहीं लिखना है आपको, आपको डायग्रामेटिकल जो चीजें हैं उसको मैनर करना है। कि मान के चले आपको कैसे करना है, जैसे सपोज कीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन आ गया, आप मान के चले कि आपका कोई क्वेश्चन है, तो वहां पर क्या है आप क्या है राउंड फर्ग ऐसे बना देंगे या फिर ऐसे बना देंगे या फिर इसकी पॉइंट्स को ऐसे इलेबोरेट कर देंगे, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये क्या है गाइज आपको एग्जाम में क्या है लिखी है, जिसके बेसिस पे क्या है आप लोगों की जो एग्जाम में अच्छे जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली आएंगे। तो जो थर्ड पॉइंट है वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि थर्ड पॉइंट आपका कौन सा है, वो देख लीजिए, आंसर शीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बच्चों को नहीं पता कि जो बच्चे MDU के अंदर या हरियाणा के अंदर अपना एग्जाम देंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वहां पर जो जिसमें आप अपना आंसर लिखेंगे तो उसकी जो टोटल क्वांटिटी होती है कि इसमें लिखी, देखिए, आंसर शीट कंटेन मे बी 32 और 36 पेजेस, यानी कि टोटल 32 या 33 पेजेस आपको मिलेंगे। और दूसरी बात, सिर्फ एक ही शीट का पैनल आपके लिए दिया जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा शीट क्या है आपके एग्जाम के लिए अलाउड नहीं होंगी। तो आपको क्या है इस हिसाब से लिखना है कि आपके जितने भी जो आंसर है वो एक ही शीट, यानी कि जो एक पूरा फुल शीट का बंडल होगा उसी में क्या आप उसको मैनेज कर सको। अगला जो पॉइंट है गाइस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। अब आपको पता है कि गाइस काफी बच्चे, मैंने बोला कि जितना आप लिख सको क्वेश्चन को आंसर को उतना लिखो, बट ऐसा भी नहीं कि आप उस चीज में क्या अपने टाइम मैनेजमेंट को भूल जाओ। आपको घड़ी के साथ साथ ये टाइम देखना कि मुझे इस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और कितना टाइम क्या अगले क्वेश्चन को दे रहा है, इसी को क्या हम लोग एक स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। इसलिए मैंने ये पॉइंट मेंशन किया है कि मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली, यानी जिस हिसाब से आपका एग्जाम है अपने टाइम को क्या आप मैनेज कीजिए।
अगला पॉइंट है गाइस, राइट एज मच एज यू कैन. जब आप अपना बीएड का बैचलर ऑफ एजुकेशन एमएड का एग्जाम देंगे हरियाणा के अंदर, खासतौर से एमडीयू का, तो यहां पर एक पॉइंट और आता है कि राइट एज मच एज यू कैन, यानी कि जितना आपके लिए क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल हो उतना आपको लिखना है, ताकि आने वाले वक्त के अंदर क्या है आपका जो अच्छे मार्क्स हैं वो आपकी परसेंटेज बन सके. ठीक है गाइस, जो अगला पॉइंट है वो मैं आपको और दिखा देता हूं कि मैं अगले पॉइंट में आपको क्या कहना चाह रहा हूं. अब यहां पर है कि टाइम एग्जाम ड्यूरेशन, जो टाइम की एग्जाम है गाइस, देखिए सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, कोविड के बाद से आपको पता है कि अभी यूनिवर्सिटी ने कोई ऑफिशियली जो है नोटिस नहीं निकाला है कि अभी आपका यह है कि टोटल आपके क्या है 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन क्या है आपको करके दिखाने हैं, यानी कि डू एनी 3 क्वेश्चन. ये अभी एमडीयू का क्या है रूल है. ठीक है गाइस, तो अभी अगर ये वाला रूल आपका चलेगा तो इसमें जो टाइम मैनेजमेंट है 1 घंटा 45 मिनट के आपको टोटल मिलेंगे. अगर आपका अगला ये पॉइंट आ जाता है, जैसे पहले जो एक ओल्ड पैटर्न है उसको भी ध्यान रखना है कि आपके टोटल क्या है 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका करना कंपलसरी है और उसका जो टाइम है वो 3 घंटे का टाइम होता है. तो कहने का मतलब यही है गाइस कि एग्जाम का जो टाइम का ड्यूरेशन है उसको क्या है आपको मैनेज करना है, और उसी हिसाब से जैसे एमडीयू यूनिवर्सिटी हमें नोटिफिकेशन देगी उसके हिसाब से ये क्या है हम लोगों को अपने एग्जाम को लिखना है. तो गाइज होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे, और मैं उम्मीद करूंगा अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है. आप अपना कमेंट्स दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, उन पर डेफिनेटली क्या हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो आज का वीडियो इतना ही, मेरा रिक्वेस्ट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वक्त के अंदर बहुत अच्छी और इंफॉर्मेशन जो वीडियो है हम लोग आपके लिए डाल सकें. तो थैंक यू सो मच.